हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ज्वेलरी हॉल लेके आई हूँ जो कि मीशो से है। आप सभी को पता होगा मीशो इंडिया की नंबर वन रिसेलिंग ऐप है, करोड़ों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इसको मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आपको आपकी फ़र्स्ट परचेज पे 30% डिस्काउंट और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और मीशो का फ़ायदा उठाइए। इसमें आप बहुत ही इजीली कोई भी प्रोडक्ट किसी और को रिसेल भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो जो मैं आज हॉल लेके आई हूँ वो ज्वेलरी के ऊपर है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, ज्वेलरी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी वियर करते हैं क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि सब लोग अवॉइड करते हैं पहनने से। तो मैं आज जो भी हॉल लेके आई हूँ वो बहुत ही अफोर्डेबल ज्वेलरी हॉल है और इसमें मैं आपको सभी तरह की ज्वेलरी दिखाऊंगी। ईयरिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, नेकलेसेस हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये झुमकियाँ हैं। इसमें ये इस बॉक्स में ही आई थी ये झुमकी और ये बहुत ही प्यारी सी गोल्डन मेटेलिक शेड में ये झुमकी हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही सुंदर इनका लुक है। इसमें कुंदन वर्क और मोती वर्क है और नीचे इसका जो झुमकी स्टाइल है वो मीडियम साइज़ में बड़ा है और वाइट कलर के मोती नीचे लगे हैं। इसको हम किसी भी प्लेन साड़ी के साथ, ब्लैक कलर की कोई भी ड्रेस के साथ, इंडो वेस्टर्न या एथनिक दोनों के साथ वियर कर सकते हैं। इसको मैंने भी एक आई थिंक एक फेस्टिवल में पहना था और बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने साड़ी के साथ इनको वियर किया था। अभी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। ये बहुत ही अच्छा लुक है इनका। आप इसको किसी भी फंक्शन में या फिर पार्टी में पहन सकते हैं, अपनी साड़ी वगैरह के साथ बहुत अच्छा मैच करती हैं। तो सभी का प्राइस और कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उसको कोड के अकॉर्डिंग जाके ऐप से परचेज कर सकते हैं इजीली। अब है मेरे पास सेकंड, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, मैंने इंस्टाग्राम और बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा है तो मैंने भी सोचा परचेज़ कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारे से मोती वर्क में इस तरीके से बुने हुए ये ईयरिंग्स हैं जो कि अगर हम पहने किसी भी वेस्टर्न हो, इंडियन हो, किसी भी ड्रेस के साथ हम इनको मैच कर सकते हैं। मैंने इसमें दो पेयर खरीदे हैं, एक ये ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है। तो बहुत ही दोनों ही कलर बहुत ही अच्छे हैं। इनको भी हम किसी भी प्लेन ड्रेस या साड़ी के साथ वियर कर सकते हैं। रेड है, ब्लैक है या फिर गोल्डन है, इस तरीके की ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये अभी तक मैंने पहने नहीं है, ऑफ वाइट तो मैंने पहने हुए थे, मैं दिखा देती हूँ अच्छा लगता है। और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है तो इनके साथ हमें नेकलेस पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर लुक देते हैं ये पहनने के बाद। ये शोई थोड़े से हैवी लगते हैं बट पहनने के बाद इतने सुंदर लगते हैं कि आपको हैवीनेस फील ही नहीं होगी कभी भी। तो ये देखो, इनका लुक भी बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये अलग अलग पैटर्न, मतलब अलग अलग पैटर्न और डिज़ाइन में भी अवेलेबल है। साइज़ मुझे एक्चुअल में एग्जैक्टली औरों का नहीं पता बट ये जो पैटर्न है ज़्यादातर बड़े साइज़ में ही आता है। इसका जो दूसरा पेयर है वो है ये ऑफ वाइट कलर में इस तरीके से। इनमें भी सेम ऐसे ही वर्क किया हुआ है मोती, और ये वर्क पीछे से ही इस तरीके से है तो चुभेगा नहीं, कपड़ा लगा हुआ है इनमें पीछे तो बहुत ही इजीली पहने जा सकते हैं, ये उलझेंगे भी नहीं किसी भी ड्रेस में। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, इनको मैंने नवरात्रि में भी वियर किया था अपनी ड्रेस के साथ तो उसमें बहुत सुंदर लग रहे थे और इवन मेरे को 2-3 लोगों ने बोला भी था कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो फिर मुझे भी अच्छे लगे क्योंकि जब आपकी कोई तारीफ़ कर देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ओह। कैसे लग रहे हैं अब आता है मेरे पास मेटेलिक, इसको ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड मेटल में मैंने ये पूरा सेट परचेज किया था। इसके साथ में ये गले का सेट है ऐसे, मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से आप इसको पहन सकते हैं।
ये भी बहुत ही ट्रेंड में आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, तो आप इसको अच्छे से पहन सकते हैं। मैंने भी इसको एक फ़ोटो में पहना हुआ है, तो मैं अटैच कर दूँगी आपको सभी के जहाँ जहाँ पे मैंने ओकेजनली ये पहने हुए हैं ज्वेलरी सारी। और इसके साथ में पूरा सेट है, इसमें गले का है, ये हाथ का है इस तरीके से, ये कड़ा, और इसमें कान के हैं ये राउंड राउंड शेप के। इसके मोती बचते नहीं हैं, बट हाँ ये बहुत ही शोफुल हैं तो अच्छे लगते हैं ऐसे इस तरीके से। इसको आप टाइट भी कर सकते हैं हाथ वाले को, इसमें घुंघरू हैं ऐसे इस तरीके से लगे हुए, और कान का जो है वो टाइट करने का इस तरीके से। मैं पहन के दिखा देती हूँ, ये इस ऐसे पहन सकते हैं इसको आप कहीं पे भी हल्के फुल्के फंक्शन में या पार्टी में, बर्थडे पार्टी में कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपने ड्रेस के साथ मैच करके इसको पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेयर है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। आई थिंक मेरे को याद नहीं है अभी सबके प्राइस, क्योंकि काफ़ी ज्वेलरी हैं तो मैं सबके तो भूल रही हूँ, लेकिन मैं साथ में मेंशन कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। और सभी का जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस कोड के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। इस तरह के बॉक्स में आए थे एक नेकलेस जो कि बहुत ही प्यारा है, और मैंने अपने करवा चौथ के ब्लॉग में इसको डे टाइम में भी पहना था इस तरीके से। ये मोती, इसमें साइड में मोती लगे हुए हैं, बीच में एक मरून कलर का आप इसको बोलेंगे मॉव कलर का, बहुत ही प्यारा सा साइड में नग, बीच में नग लगा हुआ है और मोती लगा हुआ है, तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था ये मेरे पास। मेरे पास सेम कलर का मॉव कलर का शरारा सेट था, तो इसलिए मैंने उसके साथ भी ये किया था। मैं भी आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। तो ये आई थिंक आपको पसंद आया होगा, ये बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही सुंदर सेट है चोकर में, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं अलग अलग। अब है मेरे पास एक लॉन्ग नेकलेस सेट जो कि मल्टी कलर में अवेलेबल है ऐसे इस तरीके से। इसमें डिफरेंट कलर की मोती हैं, ये आपकी डिफरेंट कलर की ड्रेसेस के साथ मैच करेगा, और आप इसको ऐसे वियर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लुक देता है अगर हम इसको टाइट करके पहनना चाहते हैं अपनी, हाँ मतलब जो आपके पास डीप नेक की ड्रेसेस हैं या फिर साड़ी ब्लाउजेस हैं तो आप उसके साथ इस तरीके से पहन सकते हैं। अदरवाइज़ इसको आप बोट नेक की ड्रेस के साथ या फिर बोट नेक के ब्लाउजेस के साथ इस तरीके से पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और आप ऊपर चोकर पहन लें या फिर कोई भी चिक सेट पहन लें और नीचे इसको इस तरीके से पहन लें, तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा और आपकी डिफरेंट सभी साड़ियों के साथ मैच करेगा, क्योंकि इसमें सारे ही कलर हैं जो मल्टी कलर्स में आते हैं, तो वो सारे कलर्स मैच हो जाएंगे। आप है मेरे पास चोकर सेट, ये है ग्रीन कलर में, और बहुत ही प्यारा जिसको कहते हैं, बहुत ही प्यारा इसका लुक है, बहुत ट्रेंड में है। आप इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर सभी पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, और बट मीशो पे इसका प्राइस अदर्स साइट के कंपेयर में बहुत ही कम है, तो मैंने तो मीशो से ही ख़रीदा है। अगर इस तरीके से है, और इसके साथ बहुत ही प्यारे से ईयरिंग्स भी हैं। ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि रेड आजकल कंट्रास्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा है ज्वेलरी, तो हम रेड, ऑरेंज, पिंक सभी के साथ ग्रीन को मैच कर सकते हैं। जो भी डार्क शेड में ऐसे कलर्स आते हैं रेड के टोनिश में, टोन में, तो हम उनके साथ में ग्रीन को मैच कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, कुंदन और मोती का पूरा काम किया हुआ है इसमें, और नीचे ये छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद है ये पर्सनली ये वाला सेट। तो बाकी आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये देखने में। अब है मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा रॉयल टच वाला चोकर सेट, बोलते हैं इसको चोकर सेट ही है, और नेकलेस जो कि बहुत ही देखने में इतना खूबसूरत है, और इसमें मांग टीका और ईयरिंग्स दोनों तीनों आए हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं आपको शो करती हूँ, कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न है, इसमें कुंदन और मोती का काम है, बीच बीच में ग्रीन और पिंक कलर के
स्टोन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रहे हैं। ये किसी भी हमारी सिल्क साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके साथ में बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर इयररिंग्स हैं और बड़े बड़े भी काफ़ी हैं, तो ये हम किसी भी मैरिज फंक्शन में पहन सकते हैं। कोई भी आपका ऐसा फेस्टिवल है दिवाली जैसा, तो उसमें भी वियर कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ में। सिल्क बनारसी या फिर जो हैवी साड़ी आती है उनके साथ में बहुत ही सुंदर लुक देगा। इसके साथ में मांग टीका भी है। ये है मेरा बहुत ही प्यारा राजस्थानी पैटर्न में चिक सेट। इस तरीके से इसमें मीना है, पूरा मीने का काम किया हुआ है और जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। मोर का डिज़ाइन इनमें बना हुआ है और ग्रीन और पिंक का शेड है इसमें, तो ये ग्रीन और रेड सभी साड़ियों पे या ड्रेसेस पे मैच हो जाएगा। इसके साथ में बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे कानों के इयररिंग्स दिए हुए हैं। ये बहुत ही प्यारे हैं, इनका डिज़ाइन सेम इसकी तरह है, बीच में जो डिज़ाइन बना हुआ है पहनने के बाद बहुत ही प्यारे लगेंगे ये भी। अब है मेरे पास बहुत ही प्यारा सा जो मैंने परचेस किया है वो है रखड़ी। इसको राजस्थानी मांग टीका भी बोलते हैं या फिर बोरला भी बोलते हैं हरियाणा में, तो ये ऐसा है कुछ इस तरीके से और इसको हम ऐसे लगाते हैं। ये मैंने अपने करवा चौथ के लुक में पहना हुआ भी है और इसको माथा पट्टी के साथ भी वियर कर सकते हैं और ऐसे भी वियर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक देता है राजपूती ड्रेस के साथ में, तो मैंने ये भी ख़रीदा था। ये काम किया हुआ है वो मोती का और नग का स्टोन्स का काम किया हुआ है, तो जो भी इसमें जो मीनाकारी है उसमें भी स्टोन लगे हुए हैं पिंक कलर के, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। बीच में एक मोटा सा नग लगा हुआ है तो इससे बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका और बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद राजपूती ड्रेस के साथ या राजस्थानी ड्रेस के साथ में। ये दो चूड़ियाँ मैंने ली थी, इनको गोखरू भी बोलते हैं राजस्थान में, इनको चूड़े के पीछे लगाया जाता है और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये गोल्डन कलर में ही आती हैं ज़्यादातर और बीच में इस तरीके से है। ये देखिए चूड़े के साथ यहाँ पे पीछे और आगे चूड़ा पहनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। मैंने दो ही ली थी क्योंकि दोनों हाथों में एक इधर दोनों हाथों में चूड़े के साथ में पहनी थी। अब है मेरे पास ये रिंग कुंदन वर्क में और मोती वर्क में, ग्रीन कलर में ये है। बहुत ही सुंदर है और काफ़ी बड़ी है, अगर इसको पहने तो दूसरी रिंग की ज़रूरत नहीं है हमें हाथ में पहनने के लिए। इसका जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ये इस तरीके से ओपन करने के लिए, तो आप इसको छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही इजीली पहनी जा सकती है। क्योंकि मेरी रिंग्स जो फिंगर्स हैं वो भी बहुत ही पतली हैं, तो मेरे को भी सारी रिंग्स आती नहीं है, इसीलिए मैंने ये देख के ही ख़रीदी है कि हाँ इसको हम टाइट भी कर सकते हैं इजीली, तो ये बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन में है इस तरीके से। तो आज का जो मेरा ज्वेलरी का हॉल था वो मैंने सारा आपको दिखा दिया है, अभी आई थिंक कुछ और नहीं बचा मेरे पास, और अगर हुआ भी तो फिर मैं नेक्स्ट ज्वेलरी हॉल करूँगी तो उसमें शो कर दूँगी, बट हाँ आई थिंक मैंने सभी कुछ शो कर दिया है। क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न चल रहा है, वेडिंग्स आने वाली हैं, आपके रिलेटिव्स भी शादियों में जा रहे होंगे, आप भी जाओगे, तो आप इन सबको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है और मीशो आपको पता है बहुत ही सस्ता ऐप है, इससे आप कोई भी प्रोडक्ट ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो देर मत करिए, जल्दी ख़रीद लीजिए क्योंकि दिवाली आ रही है और हमें अच्छे अच्छे से कब तैयार होना है
लुक क्रिएट करना है। तो मैं अभी आपको यही कहूँगी कि आप भी जो मैंने शो किए हैं, अगर आपको इसमें से कोई अच्छा लगा हो तो आप मेरे लिंक के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हैं। मैं आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप मीशो को जल्दी से डाउनलोड कर लेना उससे, तो आपको उसमें 30% का डिस्काउंट या फिर 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा और आपकी फ़र्स्ट परचेज पे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना जो भी आपको अच्छा या बुरा लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।